गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सुबह का टाइम है, झाड़ू पोछा करके मैं अपने जो कहते हैं ना माता रानी के मंदिर जाते हैं, तो मैं बस उनकी तैयारी कर रही हूँ। और मेरा ये दीपक भी जला दिया है, पूजा हो गई है और ये बच्चे यहाँ सो रहे हैं। सुबह ही मंदिर से आने के बाद में मैंने लगा ली थी मशीन कपड़े धुलने के लिए, इधर ही दूसरी साइड में रख दिया है दूध गर्म करने के लिए मैंने। और इधर ही रक्षित सो रहा था, क्योंकि मैं इसे उठा रही थी क्योंकि ये मेरी बेडशीट फिर रह जाती धुलने के लिए, इस वजह से मैंने कि इसे भी धुल देती हूँ मैं। तो रक्षित को उठा दिया था क्योंकि टाइम भी हो गया था उठाने का। और ये सूट रखा है जो मुझे देना है तुरपाई करने के लिए। और देखिए, यहाँ मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े डाल दिए थे, कुछ कपड़े धुल गए हैं, वो दूसरी साइड में डाल दिए, तो बेडशीट वगैरह सब निकाल दी थी। और ये हैं आज मेरे लड्डू गोपाल ने, देखिए ये पीच कलर की पोशाक है ये पहनी हुई है। और अंदर वाली जो लड्डू गोपाल है ना, उन्होंने भी पीच कलर की पोशाक पहनी हुई है। ये देखिए, ये इनकी भी पीच कलर की पोशाक है। और दोनों को सेम सेम पहना देती हूँ, चार डिज़ाइन कलर एक ही हो जाता है और डिज़ाइन वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है। और यहीं देखिए, मैं बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो यहाँ मैंने बेडशीट लगा दी है। बेडशीट लगा रही हूँ अच्छे से झाड़ करके, मतलब वो वाली बेडशीट नहीं लगाई थी मैंने, अच्छा वो वाली तो मैंने चेंज कर दी थी, ये वाली बेडशीट पहले मैटर्स को अच्छे से झाड़ दिया था, जब मैंने दूसरी बेडशीट में यहाँ पर लगा रही हूँ। काम से फ्री हो गई थी तो मैं गई थी मंदिर। मंदिर से आने के बाद में फिर मैंने ये सब कपड़े हैं ये धूप में डाल दिए थे, क्योंकि इतनी देर धूप नहीं थी जब मैं मंदिर गई थी। और वैसे भी मैं कपड़े जब धुलती हूँ ना, तो मंदिर से आने के बाद मैं ही कपड़ों को डालती हूँ, क्योंकि बंदरों का डर रहता है कि मंकी नहीं ले जाएँ कपड़े। तो यहीं पर देखिए, जब मैं मंदिर से आई थी ना, तो अपनी धूप बत्ती वगैरह, मतलब जो दीपक में जलाती हैं वो जोत वगैरह, वो लेकर आके गई थी। डब्बी वगैरह और रोरी की डिब्बी थी, तो बस वो मैं रख रही थी। और यहीं मैंने मंदिर के लिए फूल लिए थे, तो वहीं दिए आती हूँ। और दो फूल मैं अपने घर के लिए ले आती हूँ, उसमें से वहीं मंदिरों में चढ़ा देती हूँ। और यहीं देखिए, ये बच्चे सो रहे हैं। गोलू को देखिए, गोलू किस तरीके से सो रहा है, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, वो नंगा सो गया है। और इसमें देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग पड़ी हुई है जो मैंने सूट वगैरह सिले थे वो। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकाल दिया है। ये जो है ना, मैंने रक्षित के टाइम पर मैंने कुछ फ़ोटो स्टेट करवाई थी, जिससे कि मैं उसे वर्किंग कराती थी एक्स्ट्रा, तो वो फोटोकॉपी बच गई थी और वो मैंने उठा के रख दी है। जो भर गई थी वो मैंने फेंक दी है, क्योंकि उनका तो कोई काम नहीं है और वो आगे के लिए मेरे काम आएंगी, इस वजह से वो उठा के रख दी हूँ। यहीं देखिए, मैंने कपड़े डाल दिए हैं धूप में, और कुछ कपड़े थे वो तय बना के रख दिए हैं मैंने। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह से काम में लग रही हूँ और थकान भी बहुत हो गई है, क्योंकि मशीन से है ना, मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े मैंने आपने देखा था कि सुखा करके रख दिए थे, और जो प्रेस के थे उन पर प्रेस भी कर दिए। और थोड़े बहुत कपड़े थे इनकी रूटर की यूनिफॉर्म रह गई थी स्कूल की, तो वो भी मैंने हाथ से, कुछ कपड़े थे बच्चे नहाए थे, यूनिफॉर्म वगैरह थी इनके भी थे, एक जोड़ा इनका भी था, तो ऐसे करके कपड़े निकल आए थे, तो वो मैंने हाथ से निकाल दिए थे। मैंने इनके लिए मशीन नहीं लगा थी। अब वैसे भी गर्मी आ गई ना, तो ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही निकाला करूँगी। वॉशिंग मशीन में तो जब लगता है ना कि मौसम ख़राब है, तो निकाल देती हूँ जिससे जल्दी से सूख जाए। अब जैसे गर्मी आ गई है ना, धूप निकल रही है, तो मैं ना ज़्यादातर कपड़े गर्मियों में हाथ से ही निकालती हूँ, वॉशिंग मशीन से कम निकालती हूँ, मतलब कम धुलती हूँ मैं। और कल हमारे बहुत बड़ा दिन है, कल है यमुना मैया जी का जन्मदिन, कल यमुना छठ है, यमुना छठ बोलते हैं, नवरात्रों में ही आते हैं, जो चैत वाले नवरात्रे आते हैं ना, उसी में यमुना मैया का जन्मदिन पड़ता है, और नवरात्रों में ही आता है उनका जन्मदिन छठ वाले दिन। जैसे आज 5 हो गई, कल छठ है, तो कल यमुना छठ है, उनका जन्मदिन है। और ओकरल और गोलू का वो मिलेगा रिपोर्ट कार्ड, गोलू का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा। और कल यमुना छठ भी है और गोलू का रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। और मंदिर भी गई थी आज, अपने काम से फ्री होकर के मंदिर गई थी। फ़ोन रक्षित को दे गई थी थोड़ा, मैंने कि ये थोड़ा देख लिया, क्योंकि पूरे दिन फ़ोन नहीं देती थी मैं, इस वजह से मैं बच्चे थोड़ा देख लेंगे। और
कल जाऊंगी मंदिर, सबसे पहले मैं जाऊंगी क्योंकि 8:30 बजे से गोलू का रिजल्ट मिलेगा, तो मैं 8 बजे निकल जाऊंगी इनके साथ में ही। और रिजल्ट देने के बाद में उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर में है ना आज भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, और कल तो है ना हमारा बहुत अच्छा विश्राम घाट हमारे चौकी से लेके और यमुना मैया का जो मंदिर है ना वहाँ तक विश्राम घाट तक पूरा सजेगा, पूरा डेकोरेशन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए मैं कल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो बनाऊँ, आपके लिए वो वीडियो बनाकर लेकर के आऊँ, आपको दिखाऊँ हमारे यहाँ यमुना मैया का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। और पता है एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने पहले भी ये चीज़ देखी थी कि यमुना जी है ना, यमुना जी में इतने बड़े बड़े डंडे होते हैं, बांस होते हैं ना, आप लोग तो जानते होंगे ना, तो वो जो है ना पानी के अंदर उन्हें गाड़ते हैं। समझ में नहीं आती है ये चीज़ कि ये खड़े कैसे हो जाते हैं, उसके ऊपर ही फिर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अच्छा अच्छा वही नाच गाना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस कल का इंतजार है, देखते हैं कल पहले गोलू का रिजल्ट लेकर आऊँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को यमुना मैया के दर्शन कराऊँगी। और कल मैं सुबह भी जाऊँगी और कल शाम को भी जाऊँगी, कोशिश करूँगी शाम को मैं बड़ी वाली भाभी को लेकर के जाऊँगी, उन्हें मैं बोल दूँगी अगर वो स्कूल से टाइम से आ जाती हैं तो, क्योंकि बच्चों ट्यूशन के बच्चे भी आएंगे तो, और नहीं जा पाती हैं तो फिर मैं जाऊँगी, थोड़ा मैं भी घूम करके आऊँगी, देखती हूँ कैसा डेकोरेशन वगैरह कैसी है कैसे नहीं है, बहुत अच्छा है। और व्रत हमारे हो ही रहे हैं, अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय, और हमारे आज संडे है और संडे वाले दिन हमारे पतिदेव गए हैं आगरा, आगरा से फिर जाएंगे दवाई लेने के लिए, गए हुए हैं मम्मी के, मेरी मम्मी के हैं, मेरे माई के, और तीनों बच्चे सो रहे हैं। बस अभी आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, इन्हें बनाऊंगी बच्चों को आलू के पराठे। तो देखिए एक तो नंगा सो रहा है, उसे इतनी गर्मी लग रही है ना, देखिए नंगा सो रहा है, और मैं ना अभी काम से फ्री हुई थी, देखिए काम से क्या हुई थी, ये सभी कपड़े रखे हुए थे, ये सही से सेट करे हैं मैंने, ये मेरे सूट वगैरह हैं कुछ, वो हैं जो मैंने खरीदी, मैंने कल पहनने के लिए निकाला है क्योंकि ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो मैंने आपको बोला था नवरात्रों में पहनूंगी, तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये मैं कल पहनूंगी इसे। और ये मेरे सूट रखे हुए हैं, इसमें सिलने के लिए रखे हैं, देखिए इसमें सिलने के लिए रखे हुए हैं, ये वाले इस वाली पॉलीथिन में सिलने के लिए हैं, ये वाली पॉलीथिन है ना, ये वाली इसमें सिलने के लिए हैं, इसमें भी सिलने के लिए हैं, और इसमें भी इसमें वो वाले जो दीदी ने दिलाए हैं, इसमें एक दीदी वाला है और ये भी दीदी वाला है, ऐसे रखे हैं। ये मेरी पोशाक हैं, अधूनी पड़ी हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इन्हें दूसरी वीडियो मतलब दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूँ अपनी पोशाकों को। ये भी सूट है देखिए, ये भी मेरे सिलने के लिए रखे हुए हैं पूरे सूट, ये मुझे सिलने हैं। और पोशाक के लिए मैंने आपको बता दिया, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ, बनाऊँ और अपलोड कर दूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब रक्षित स्कूल में रहता है ना मैं तब तक ही मतलब सिलाई का और वैसे काम कर सकती हूँ, क्रोशिया वगैरह का पोशाक का, जब बच्चे घर पर रहते हैं तो मैं ये चीज़ नहीं बना पाती क्योंकि बच्चों वैसे टाइम नहीं मिलता है ना, और फिर बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी रहता है, तो जब बच्चे स्कूल में रहते हैं ना तब मैं बनाती हूँ ऐसी चीज़ें। यहाँ मैंने करे थे आलू बॉयल, अभी हो गए थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना, तब ये बच्चों के लिए काट दिया था मैंने, इस पर ढकना भूल गई हूँ, पर ये ना अभी दोबारा से काटूँगी, इसमें ऑरेंज वगैरह हैं। और मैंने बनाई है चाय, देखिए चाय बन के तैयार होगी हमारी गरम गरम चाय, आ जाइए आप सभी पी लीजिए, ये हमारी चाय, अभी हम चाय भी लेकर के बैठेंगे। सबसे पहले मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, तो देखिए ये कपड़े हैं ना, मैंने इस तरीके से कपड़े धुले थे, ये पूरे कपड़े मैंने हाथ से निकाले हैं, ये हैं वहाँ से लेके, और ये हैं पूरे हाथ से निकाल दिए हैं, बर्तन और मैंने साफ करके रख दिए हैं, आंगन भी दोबारा धुल दिया है। काम तो मैं पूरे दिन करती रहती हूँ, काम से फ्री नहीं होती हूँ मैं, पूरे दिन लगी रहूँ काम में, तो बस। और चाय मेरी पक गई है अच्छे से, दूध सुबह का था और खुद को दे दिया था, और पिएगा तो दे दूँगी उसे, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना उसे थोड़ा वो कर देती हूँ मैं, मतलब हल्का सा ये पूरा ढक रहा है ना, हल्का सा खोल देती हूँ इस तरीके से, तो इसमें से भाप वगैरह निकल जाएगी ना, तो बच्चे जो है ना इसे पी लेंगे। और यहीं मैंने रख दिया है आटा लगा करके रख दिया है मैंने, ये बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी, अपने लिए इनके लिए आलू बॉईल करूंगी और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी ऐसे। और ये मंदिर है मेरा, छोटा सा मंदिर आपने देख ही रखा है, ये है मेरा छोटा सा मंदिर। बस जी इतना ही है, बस आपको
27 तारीख है कल, और कल है हमारी जमुना मैया का हैप्पी बर्थडे है, कल जमुना मैया जी का जन्मदिन है उनका। कल की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो चलिए, बहुत देर हो गई, मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद में फिर आलू छीलने हैं, फिर फ्राई करने हैं, फिर बच्चों के लिए, क्योंकि 4:30 हो गए, मेरा भी, क्योंकि 4:30 बेशक हो रहे हैं, जब हम काम करने बैठते हैं ना तो टाइम पता नहीं चलता है हमारा, हमारा टाइम ना ऐसे कि ऐसे ही निकल जाता है, पूरा पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया है। सुबह से ना बाल सब ऐसे हो रहे हैं, मन नहीं करता कुछ, मन क्या, फिर काम ऐसे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से ही लग रही हूँ प्रेस करना। अब बुक वगैरह थी जो बच्चों की, जो ज़रूरत की बुक नहीं थी वो अलग की है मैंने, जो ज़रूरत की थी वो एक जगह रखी, जो रक्षित के कुछ बुक वगैरह ऐसी थी कि वो आगे के लिए मुझे काम आ सकती हैं, जैसे अगर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी चाहूँ ना तो वो बुक मेरे उस चीज़ में काम आएंगी, तो इस वजह से वो चीज़ें मैंने उठा करके रखी हुई हैं। करने को तो देखिए बहुत कुछ करने का मन करता है, बहुत कुछ लगता है कि हाँ मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकती। जैसे स्कूल भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत सी हैं, बीएड भी करना चाहती हूँ, पर बच्चों के लिए है ना ये चीज़ नहीं कर सकती अभी मैं, पर ट्यूशन का तो, स्कूल का तो नहीं पता है, पर ट्यूशन का अभी नहीं, पर थोड़ा और रक्षित बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद मैं कोशिश करूँगी ट्यूशन पढ़ाने की, कोशिश करूँगी, मतलब बच्चों को ट्यूशन लिया करूँगी बच्चों का मैं। चलिए, तो बहुत देर हो गई है बात है, और चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए गरम गरम, बहुत देर हो गई है। सच में काम करते करते पता नहीं चलता है ना काम कब हो गया, और ये देखिए उठ करके आ गया है पिल्लो, ये पिल्लो लेकर गए, ये क्या हो गया देखिए, ये मेरा ऐसे काम बढ़ाता है देखिए, ये देखिए पूरा निकाल दिया इसने, ऐसे काम बढ़ाते हैं, अब इसे दोबारा से सही करूँगी इसे, ये हाल है। चलिए, तो मैं आपसे अच्छे प्लॉग के साथ में बाद में बात करती हूँ आपसे, मतलब एक सुंदर सी वीडियो के साथ में, अच्छा से ब्लॉग के साथ में, यानी कि कल का दिन है अच्छा, मतलब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की, कल जमुना मैया का अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा आपके लिए। और चलिए, यहीं पर हम आपसे बाद में बात करते हैं, और यहीं पर मैं बना रही हूँ बच्चों को आलू के पराठे, अपने लिए हमने आलू फ्राई कर लिए थे, बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दिए हैं मैंने। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं एक सुंदर से ब्लॉग के साथ में, तब तक आप वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए आप लोग।